रूस से चल रहे युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा जापान अब उसी पर भड़क गया। जापान ने यूक्रेन की तरफ से ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो पर नाराजगी जताई, जिसमें यूक्रेन ने रूस के रवैये को तानाशाही बताते हुए उसकी तुलना हिटलर मुसोलिनी जैसे तानाशाहों से कर दी। यानी यूक्रेन ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी एक तानाशाह की तरह ही दिखाया। लेकिन जहां वीडियो खत्म हुआ वहां तीन तस्वीरें लगाई गई थी, एक तस्वीर हिटलर की, दूसरी मुसोलिनी और तीसरी तस्वीर थी जापान के वॉर टाइम के सम्राट रहे शिरोशितो की। वही शिरोशितो जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में भगवान की तरह पूजा जाता था, और अब भी जापान के लोग अपने सम्राट का उसी तरह सम्मान करते हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के वीडियो में उनकी फोटो को हिटलर और मुसोलिनी के साथ लगा हुआ देखते ही जापान बुरी तरह नाराज हो गया, जिसके बाद उसने यूक्रेन से माफी की मांग की। जबकि वहां के कई लोगों ने यूक्रेन के पोस्ट किए गए वीडियो का विरोध करते हुए ये मांग तक उठा दी कि जंग में अब उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अपनी गलती का एहसास होते ही यूक्रेन ने 1 अप्रैल को पोस्ट किए गए वीडियो को डिलीट कर दिया। साथ ही जापान के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसने माफी भी मांगी। यही नहीं, वीडियो को फिर से एडिट करके पोस्ट किया गया, जिसमें अंत में सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी की तस्वीरें लगी नजर आईं।